नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा मलोट मंडी जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से प्रेमी नानक चंद अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीक शहनशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का वर्णन करता है। उन दिनों परम पूजनीक शहनशाह मस्ताना जी महाराज मलोट में पधारे हुए थे और कई दिनों तक वहाँ पर ठहरे। जो कुछ भी मैं बयान करने जा रहा हूँ यह बिल्कुल वास्तविक है और आँखों देखी सच्चाई है। मलोट में डेरा सच्चा सौदा धाम बनकर तैयार हो गया था। एक दिन दोपहर के समय परम पूजनीक वाली दो जहान शहनशाह मस्ताना जी महाराज गुफा में आराम फरमा रहे थे और मैं अपने मुर्शिद को धीरे धीरे पंखे से हवा दे रहा था। अचानक मेरा ध्यान वहाँ पर पास ही रखे उन कुछ ग्रंथों पर पड़ा जिन्हें पूज्य शहनशाह जी सत्संग फरमाते समय अपने पाठी से पढ़वाया करते। उसके अलावा जब साध संगत में नए नए नोट बांटा करते तो उन्हीं ग्रंथों में से निकाल कर दिया करते, क्योंकि ऐसा मैं लगभग रोजाना अपनी आँखों से देखा करता था। धीरे धीरे मेरे मन में यह भी आया कि ग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए कि इनमें ऐसे कितने नोट रखे हुए हैं जो शहनशाह जी इनमें से निकाल निकाल कर रोजाना बांटते हैं परंतु फिर भी ख़त्म नहीं होते। मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा पूज्य शहनशाह जी गहरी नींद में हैं। मैं बच्चा तो था ही, हाथ वाला पंखा वहीं पास ही रखकर मैंने पहले एक ग्रंथ उठाया। उसका एक एक पेज उल्ट पलट कर अच्छी प्रकार से तसल्ली की, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नोट नहीं था। फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, उसे भी पूरी गौर से खोलकर एक एक कागज को देखा, उसमें भी मुझे कोई नोट नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार एक एक करके मैंने वहाँ पर रखे हुए वे सभी ग्रंथ अच्छी प्रकार से देखकर तसल्ली कर ली। उनमें से किसी ग्रंथ में भी कोई नोट रखा हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने वो सभी ग्रंथ वापस उसी जगह पर रख दिए और फिर पंखे से साईं जी को हवा देने लगा, परंतु मुझे मेरे मन ने टिकने नहीं दिया कि यह कैसे हो सकता है। पूज्य बाबा जी रोजाना नोट इन्हीं ग्रंथों में से निकाल कर बांटते हैं, थैला या कोई डब्बा कुछ भी तो अपने पास नहीं रखते। मैं खुद रोजाना अपनी आँखों से यह सब देखता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में ग्रंथों को दोबारा देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पंखा फिर रख दिया और पहले एक ग्रंथ उठा लिया, वह खोल कर देखा। पहले दो पेजों को छोड़कर ज्यों ज्यों वह पेज बदलता गया, मुझे उसे प्रत्येक पेज में नए नए नोट पड़े दिखाई दिए, कहीं एक एक के और कहीं दो दो के नए कड़कते नोट, मानो अभी नए नोटों वाली मशीन में से निकाले हों। बकायदा उन पर नंबर लगे हुए थे। पूरे का पूरा ग्रंथ इस प्रकार के नोटों से भरा हुआ था। मैंने वो ग्रंथ रख दिया और दूसरा उठा लिया, वह भी उसी तरह पहले दो पेजों को छोड़कर शेष प्रत्येक पेज में उसी प्रकार के एक एक और दो दो के नए नए नोट पड़े हुए थे। फिर मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा
जानी एक एक करके सभी ग्रंथों को खोल कर देखा। सभी ग्रंथ उसी प्रकार के नोटों से भरे हुए थे। खुद खुदा जी की ऐसी रहमत देखकर मैं घबरा गया और ग्रंथों को उसी जगह रखकर पूज्य शहनशाह जी को धीरे धीरे से आवाज लगाई, साईं जी ग्रंथों में नए नए नोट रखे हुए हैं, सारे ग्रंथ नोटों से भरे हुए हैं। इस पर परम पूजनीय शहनशाह जी ने पूरे रोबदाब से फरमाया, जैसे सब कुछ सभ्य भी देख रहे हो, सच्चे पातशाह जी ने हुक्म फरमाया, नोट किसने बनाए, कैसे बने, तू पक्का पकड़ा जाएगा। अगर किसी को बताया, बाहर किसी को भी यह बात नहीं बतानी, अगर किसी को बताएगा तो पकड़ा जाएगा। सचमुच ही कुल मालिक खुद खुदा का वह राज मैंने 35 वर्ष तक अपने अंदर ही छुपा कर रखा कि अगर किसी को बता दिया जा अचानक यह बात कभी मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार खुद खुदा पूनिक शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा कुल मालिक की इलाही मौज को अपने पवित्र मुख से इन थोड़े से शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है कुल मालिक के इलाही हुक्म से हो रहा है। सच्चा सौदा कुल मालिक की अपार रहमत का दरबार है। परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज और परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम जी महाराज की अपार रहमत को इलाही बख्शिश के रूप में परम पूजनीय हजूर महाराज जी प्रतिदिन दुनिया में बांटते हैं, दोनों हाथों से दुनिया में लुटाते हैं, परंतु जहाँ पर कभी कोई चीज खुटने वाली नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।